जिस दिन धारी देवी को हिलाया था उसी दिन प्रलय भी आई थी। और पानी देखो कितना साफ है, देख रहे हो कितना साफ पानी है, सब दिख रहा है नीचे। चटनी है ये बहुत बढ़िया, लिंगोड़ के साथ जो गढ़वाली लोग हैं उत्तराखंडी है उनको पता है। और कालका माई की जय। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग निकल गए हैं चाची के घर से रात में, आपने देखा होगा हम लोग यहाँ पे आके सो गए थे, आगे ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम थके हुए थे। अभी फिलहाल हैवी ड्राइवर को दे दिया गाड़ी हमने। चप्पल पहन के चल रहा है यार, बोल तो दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले कालीमठ, जो माता काली का मंदिर है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कार्तिक स्वामी, जो एकमात्र पूरे उत्तर भारत का एकमात्र कार्तिक भगवान का मंदिर है। कार्तिक भगवान जो है वो भगवान शिव के बड़े बेटे थे। तो जब बेसिकली वो आपने एक सुना होगा कि गणेश जी और कार्तिक में ये हुई थी कि कौन पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है पहले, तो गणेश जी ने तो पार्वती और भगवान शिव के ही चक्कर लगाते कि भाई मेरे लिए तो यही है पसंद पूरी दुनिया। लेकिन भगवान कार्तिक के जब पूरा चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का, तो जहां पे आके वो रुके थे वहां वो है, और उसके बाद फिर इस चीज से नाराज होके ना भगवान कार्तिक ने यहीं पे आके प्राण त्यागे थे। तो आज भी अस्थियां यहीं पे है इसी मंदिर में। बड़ी सही, बड़ा बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत मान्यता है। नहीं है यहाँ पे आज भी? हाँ, कभी गया नहीं, फर्स्ट टाइम। मैं तो गया हूँ। मान्यता यही है कि ये अस्थि, वो जो अस्थियां हैं वो आज भी हड्डियां जो हैं कार्तिक भगवान की वो वहां पर रही है। हाँ, तो वो फिर वरदान मिला था कि भाई यहाँ पे तुम ऐसी रही है। बहुत ही बेहतरीन रास्ते में हम लोग चल चुके हैं। आप देख रहे हो स्मार्ट सलाड का। हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट बॉयज रिजॉर्ट। ये बेहतरीन वादिया है, बेहतरीन। ये कुछ हाँ, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मौन रहता कह रहे, जब तक मंदिर नहीं जाएंगे मौन रखेंगे। अरे माता के दर्शन करने के बाद ही कुछ बोलेंगे। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन ट्रक चल रहा है यूके 12 का। बहुत ही बेहतरीन रोड्स बन चुकी है। हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे मिस्टर गडकरी जी को कि इतनी बेहतरीन रोड बनाने के लिए। और मिस्टर बहुत सुंदर सुंदर वादियां हैं, फ्री फूड। कितनी भीड़ है ये तो। सो गाइज, हम लोग धारी देवी पहुंच चुके हैं, और धारी देवी काफी ज्यादा भीड़ है। जनरली होती नहीं है इतनी भीड़, लेकिन छुट्टियां पड़ी हुई है और सभी सब लोग अपने गांव आए हुए हैं, और इसीलिए धारी देवी के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। धारी देवी को बेसिकली रक्षक भी बोला जाता है। चारों धाम जो है हमारे, और गढ़वाल की जो है वो रक्षक है ये। और जिस दिन धारी देवी को हिलाया था उसी दिन प्रलय भी आई थी। देखो भाई, भीड़ देखो, काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां भी लगी हुई है। जनरली इतना नहीं होता है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स वगैरह में। धारी मैया की जय। सही टाइम पे बेसिकली केदारनाथ वाला रूट है, तो पुल पार करने के बाद केदारनाथ की तरफ जाता है। इसी के बीच में जोशीमठ पड़ता है, जोशीमठ से ही नीचे की तरफ जाके कालीमठ आएगा। और रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह पड़ते हैं, कहीं पे भी खा लेना, कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे तो वैसे भी सस्ता ही मिलता है और टेस्ट भी अच्छा ही है। बाकी व्यू देख लेते हो आप, जबरदस्त व्यू है। बाहर से दिखाऊं? रुक जाओ, तुम मेरे अपने हो इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना नहीं दिखाता। और रोड बहुत जबरदस्त बन चुकी है, जहाँ पे थोड़ी बहुत खराब भी थी वहां पे भी काम हो चुका है।
दो जगह थोड़ा सा खराब है, एक तोता घाटी में स्पेशली जब हरिद्वार की तरफ से आओगे, और एक शिरोबगढ़ जो कि श्रीनगर के बाद पड़ता है, बाकी अदरवाइज बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रोड चल चुका है। और देखिए कितने सारे टूरिस्ट हैं। गाइस दिस इज अगस्त्यमुनि, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन उत्तराखंड, मतलब बेसिकली इस वाली साइड में, और काफी बड़ा मार्केट है। हालांकि जब परले आया था तब ये काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, बट लेकिन दोबारा से बन चुका है और काफी बड़ा मार्केट है। भाई ये सामने आपको हिमालय पर्वत दिख रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये नहीं, ये तो दीपक है, हिमालयन ब्रिज, बेसिकली बर्फ से ढका हुआ पहाड़ आप कह सकते हैं। ये देखिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा, ये देखिए दिख रहा होगा ना, बहुत ही बेहतरीन ना, बस इतना ही देखो, बाकी आगे नीचे दिखाता हूँ आपको। और ये सामने राजस्थान की गाड़ी चल रही है, भाई लोग वीडियो कॉल पे अपने सहपाठी को दिखा रहे हैं, आने वाला वैसे तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है, पहुँचने वाले हैं भाई हम। सामने आ गया कालीमठ, यहाँ से अगर आप जाओगे तो उत्तरकाशी की तरफ जाओगे, केदारनाथ, और इधर उत्तरकाशी सही बोल रहे होंगे ना, हाँ गुप्तकाशी, सॉरी गुप्तकाशी 1 किलोमीटर यहाँ से आ गया, और यहाँ से कालीमठ, जय हो कालीमठ, केदारनाथ है। जतिन को हम अभी थोड़ी देर में केदारनाथ वाली बस में बिठाने वाले हैं क्योंकि ये कह रहा है 40 किलोमीटर केदारनाथ, लेकिन ये जो है ना कालीमठ, भाई सही बता रहा हूँ, यहाँ पे आके मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, मतलब इतनी शांति है, इतना बढ़िया है। और अगर कोई मन्नत भी है ना तुम्हारी, अपने मन में रख के मांग लेना, 100% माँ काली पूरी करती है, 100% भाई, मेरी तो बहुत करी है, हर किसी की करती है, हर किसी की, तो कुछ भी मन्नत उन्नो मान लेना कि माँ, बस इतना बोलना कि माँ मेरी ये मन्नत पूरी कर देना, मैं दोबारा आऊंगा। और मैं तो कोई, अब खैर मैं तो मांगता नहीं, अब मैं तो बसाता रहता हूँ, मेरे को जब मन करता है ना, सच बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन होता है जब भी मैं गाँव आऊँ एक बार जरा कालीमठ जरूर आया हूँ। हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर बार माँ का बुलावा नहीं होता, जब जब माँ का बुलावा होता है पहुंच जाते हैं, पर लेकिन अगर किसी की कोई मन्नत है भाई आगे पूरी हो जाती है 100%। बस भाई आने वाला है, देखो घाटी बहुत ही प्यारी घाटी है यहाँ से, अरे भाई थोड़ा सा रास्ता खराब है तो अब ठीक है, अब थोड़ा सा सही हो गया पीछे खराब था। और ये देखिए घाटी मतलब बहुत सुंदर बादल देखो, घाटी देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें, किशोर भाई यहाँ से व्यू देखो, यहाँ पे आके फोटो खींचेंगे, बेहतरीन। और वो रहा सामने कालीमठ, ये गांव है कालीमठ, गांव भी है और मंदिर भी है। मैं पहुंच गए हम कालीमठ, और यहाँ पे आज थोड़ी सी भीड़ है, ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, बट लेकिन यहाँ के जो लोकल्स वगैरह वो तो आते ही रहते हैं, तो थोड़ी सी भीड़ तो है यहाँ पे। बाकी हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे मिलेंगे। और पानी देखो कितना साफ है, देख रहे हो कितना साफ पानी है, सब दिख रहा है नीचे, देखो भाई बहुत ही साफ पानी। अभी नीचे जाएंगे वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, देखो पानी देखो कितना साफ है इस टाइम, बरसातों के टाइम पे कैसा हो जाता है, ये देख कम भी है और साफ भी है, कितना देखो भाई सब दिख रहा है एकदम क्लियर। और ये देख लो आ रहा है कुछ मजा, हाँ क्या ना, आपको वाइब्स आएंगी अलग से ही, मतलब मेरे को तो आती है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ना बड़ा अच्छा सा लगता है, और आपको भी लगेगा, मतलब जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, जब क्योंकि मैं इनको जैसे पहले लेके आया था अपने साथ, इन लोगों को भी लेके आया था, जैसे लिए लोग तो गढ़वाली नहीं है, उत्तराखंड से नहीं है, तो इनको लेके आया था, तो ये भी जब मैं इनको पहले करता भाई वहाँ चलेंगे, तो इन क्योंकि ये फेमस नहीं है बिल्कुल भी, तो इनको लगा यार पता नहीं क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, ये है वो है। और उसके बाद जब भाई ये लेके आए ना भाई, कह रहे भाई क्या अनएक्सप्लोर्ड जगह है यार, ये इतनी ज़बरदस्त है यार, तो ये यही वाली बात है कि बस मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत शांत है। हाँ नीचे है यार, आ जा नहा के बैठा दोस्त नहा लिए, प्रसाद खा रहे हैं। मंदिर था मेन, मंदिर के बाद यहाँ पे जो है वो यज्ञ वाली अग्नि जलती रहती है, बाकी यहाँ पे महासरस्वती मंदिर और गौरी शंकर का मंदिर है। यहाँ से भैरव, चलो ऊपर भैरवनाथ मंदिर चलना है, यहीं से ऊपर जाना है, आपने पहले भी जो मैंने पहले ब्लॉग देखे होंगे उनको पता ही होगा, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं। वो खड़ी हुई है गाड़ी हमारी, ये गाड़ी खड़ी है, और ये भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ से, चलो भाई चले, हो गया, वो कहाँ गया,
आजा भाई। भाई फिलहाल दर्शन दर्शन हो गए बढ़िया से, अब भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। समय हो गया है 11:55, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट टॉप एंड टॉप खाना खा के कार्तिक स्वामी। अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए यहाँ पे, सब गाँव में खाना सॉरी बाद में बात करेंगे। बिल्कुल पहाड़ी खाना, सॉरी मैंने स्टार्ट कर दिया पहाड़ी खाना, बिल्कुल चावल दाल देखो खत्म हो गई और ये लिंगोड़े का साग है, चटनी है, ये बहुत बढ़िया लिंगोड़े का साग, जो गढ़वाली लोग हैं उत्तराखंड के उनको पता है ये हाथ से खाते हैं। हाँ इसकी कट गई ना इसलिए, वरना तो ये हाथ से खाता है, हम भी हाथ से खा रहे हैं लेकिन आगे चप्पल पकड़ा हुआ है। ये हम लोगों ने सुन खाना कैसा था, खाना कैसा था, बहुत बढ़िया खाना था। सुन अब पैसे दे दे, ये ले 500 रुपए। तो भाई अब हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से दर्शन कर लिए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, खाना वाना भी खा लिया एकदम मस्त और नींद आ रही है। तो इसी के साथ यहाँ को अलविदा करते हैं और कालका माई की जय।